नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज लाइव महाराष्ट्र। हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वो महिला थी और रात का वक्त था जब दरिंदे सरेआम घूम रहे थे। उन दरिंदों ने महिला के साथ ऐसा व्यवहार किया कि लोगों को दिल्ली का वो कांड याद आ गया, जिसके जहन में आते ही लोगों की आत्मा सिहर उठती है। माया नगरी जो 24 घंटे सातों दिन जागती है, वो कल सो गई थी। मुंबई जिसे महिलाओं के लिए सबसे सेफ माना जा रहा था, वो अब हवा हवाई बातें हो चुकी हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में रेप पीड़िता ने हॉस्पिटल में 33 घंटे तक मौत से जंग लड़ने के बाद आखिरकार दम तोड़ दिया। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती किए जाने के वक्त ही उसकी हालत नाजुक थी। इस बारे में मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर ने बताया कि पीड़िता के साथ बर्बरता हुई थी, जिसकी वजह से उसके शरीर में काफी खून बह गया था। राजावाड़ी अस्पताल में उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। डॉक्टर एक एक सांस को बचाने की जुगत में थे, पर उनकी तमाम कोशिश सफल नहीं हो पाई। मुंबई की निर्भया ने दम तोड़ दिया। पीड़िता के निधन से पहले मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर ने बताया कि अभी महिला की हालत क्रिटिकल है, खून कम है और प्राइवेट पार्ट निकल गया है। अभी महिला वेंटिलेटर पर है। महिला की आंतें बाहर आ गई थी, ब्लड बहुत निकल गया था। 2 मिनट या 2 घंटे कह नहीं सकते, डॉक्टर जी जान से काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई के साकीनाका में एक टेम्पो के अंदर 34 साल की एक महिला के साथ रेप किया गया। अधिकारी ने बताया कि घटना के कुछ ही घंटों के अंदर आरोपी मोहन चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि शुक्रवार तड़के पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन आया कि खैरनी रोड पर एक व्यक्ति एक महिला की पिटाई कर रहा है। अधिकारी ने बताया कि महिला का पता लगाने के बाद पुलिस टीम मौके पर आई। खून से लथपथ महिला को नगर निगम संचालित राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया। शुरुआती जांच के अनुसार उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके निजी अंगों में लोहे की रॉड से हमला किया गया। उन्होंने बताया कि घटना सड़क किनारे खड़े एक टेम्पो के अंदर हुई। अधिकारी ने बताया कि वाहन के अंदर भी खून के धब्बे मिले हैं। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सत्ता बदली, सत्ताधारी बदले, सियासत बदली, महिलाओं को सेफ रखने के दावे वैसे ही रहे, लेकिन सुरक्षित वो आज भी नहीं है। सियासत होती है, ट्वीट होते हैं, लेकिन कार्रवाई दम तोड़ती है।